हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों में काफ़ी समय और पैसा लगता है उन्हीं कामों को हम कम समय में और बिना पैसा खर्च किए कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर या और भी कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिनको हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ समय बाद ही ये सब्जियाँ सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती हैं। तो हम लोग ज़्यादा सब्जियों को कैसे स्टोर करें जिससे ये करीबन 15 से 20 दिन बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक टमाटर शिमला मिर्च थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैंने इसको अलग कर दिया। तो मैं आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी। सबसे पहले जब सब्जी आए तो पहले चेक कर लीजिए, अगर सब्जी थोड़ी बहुत भी ख़राब है, टमाटर कोई गला हुआ है तो आप उसको अलग कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है सरसों का तेल। तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हैं, मैंने सरसों का तेल लिया है। करीबन 3 से 4 बूंदे आपको लेनी है और यहाँ पे जो शिमला मिर्च है ना, आपको इसको अच्छे से तेल से कोटिंग कर देनी है, क्योंकि शिमला मिर्च ज़्यादा दिन चलती नहीं है। आपने देखा होगा फ्रिज में रखने के बाद भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन इस तरह से जब आप तेल की ऑयलिंग इसके ऊपर कर देंगे अच्छे से तो इसमें कोटिंग हो जाएगी ऑयल की, जिसकी वजह से बिल्कुल भी शिमला मिर्च ख़राब नहीं होगी। इस शिमला मिर्च को आप 15 से 20 दिन आराम से फ्रेश रख सकते हैं, वो भी फ्रिज में। आपको क्या करना है, इस शिमला मिर्च में जैसे ही आप तेल की कोटिंग करती हैं आपको यहाँ पे एक पॉलीथीन में ऐसे रख देना है। तो आपको पॉलीथीन में ऐसे ही बांध के नहीं रखना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसको कैसे रखना है जिससे आपकी सब्जियाँ करीबन 15 से 20 दिन तक ताज़ी रहें और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सेम आपको टमाटर में भी ऐसे ऑयल की कोटिंग कर देना है। कोटिंग करने से एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से हम लोग अगर बगैर कोटिंग मतलब बगैर ऑयल लगाए हुए सब्जियों को रखते हैं, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है, परवल है, बहुत सी ऐसी सब्जियाँ हैं जो हम लोग पॉलीथीन में बांध कर रख देते हैं तो जल्दी खराब हो जाती हैं। आप ऑयलिंग करके अच्छे से पॉलीथिन में इसको रखिए और आपको किसी भी चाकू या कैंची की हेल्प से इस तरह से पॉलीथिन में होल कर देना है। इससे क्या होगा, इसकी एयर निकलती रहेगी, सब्जियां अंदर से बिल्कुल पसीजेंगी नहीं, जो पानी की वजह से सब्जियां खराब हो जाती थी वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और लंबे समय तक फ्रेश रहेंगी। तो ट्राई जरूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे जो कॉटन के बैग होते हैं, अक्सर हम लोग मार्केट से कुछ लेने जाते हैं तो इस तरह के जो बैग होते हैं हम लोग को मिल जाते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है और मैं आपके साथ जो आइडिया शेयर करूँगी वो हर महिला के लिए बहुत ही ज़रूरत है और उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉटन बैग के इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। तो आपको चौकोर पीस कर लेने, बहुत ज़्यादा आपको बड़ा कॉटन बैग नहीं कट करना है। इस तरह से जब आप पीस कर लेंगे करीबन 24 से 25 पीस आपको बना लेना है। इसका कैसे यूज़ करना है, ये कैसे काम आने वाला है, उससे पहले आपको क्या करना है, कैंची के हेल्प से आपको इसको बिल्कुल गोल कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग के जो कॉटन बैग के पीस हैं वो बन करके तैयार हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी छोटा सा बॉक्स या डिब्बी आपको ले लेना है, कोई भी क्रीम की डिब्बी हो आप उसको ले लीजिए और जो यहाँ पे कॉटन बैग हम लोग ने पीस कट किए हैं आपको इसके अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है नारियल तेल। तो आप यहाँ पे नारियल तेल का यूज़ करें या फिर आप यहाँ पे अरंडी का तेल ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पे जो बादाम का तेल होता है वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, नारियल तेल का यूज़ कर रही हूँ। करीबन 2 चम्मच भर के आपको इसके ऊपर नारियल का तेल डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है जो हम लोग ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, तो करीबन 1/2 चम्मच आपको इसमें ग्लिसरीन भी डाल देना है। तो ये सब चीज़ें आपको मेजरमेंट एकदम कायदे से रखना है। जैसे 20-25 अगर आपने कॉटन बैग के पीस काटे हैं तो उसी हिसाब से 2 चम्मच गरी का तेल, उसके बाद आपको 1/2 चम्मच यहाँ पे लेना है ग्लिसरीन और यहाँ पे करीबन 2 चम्मच आपको डाल देना है गुलाब जल। तो सारे पीसेस अच्छे से भीग जाने चाहिए। आप थोड़ी देर इस तरह से इसी बॉक्स के अंदर रख दीजिए। इसको कैसे यूज़ करना है, अक्सर होता है ना हम लोग शादी या पार्टी में जब कहीं जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग को मेकअप रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है, मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे हम लोग कभी मार्केट जाते हैं या फिर शादी फंक्शन में जाते हैं, मेकअप करते हैं, लिपस्टिक मैट की लगाते हैं या काजल वगैरह लगाते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग मेकअप रिमूवर का यूज़ करते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। लेकिन आप इसी तरीके से बिल्कुल बगैर पैसा खर्च किए आप इसको घर पर बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छे से वर्क करता है। तो जब आपको मेकअप हटाना हो तो बस आप इस तरह से एक पीस निकालिए और बहुत ही आराम से एक ही बार में आप देखेंगे जितना भी मेकअप होगा आपका क्लीन हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पानी से मुँह धोते हैं या किसी कपड़े से ऐसे ही पोंछ लेते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर बना के रखिएगा। इससे फेस पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, बहुत ही आराम से मेकअप आपका रिमूव हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपके फेस पे मेकअप था भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ईजी तरीके से बन जाता है वो भी बगैर पैसा खर्च किए। यूज़फुल आइडिया, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर छोले को लेकर के है। अक्सर हम लोग जब घर पे छोले बनाते हैं तो आपने देखा होगा जैसे मार्केट में जो रंगत आती है ना छोले में, बगैर मतलब ज़्यादा तेल ऑयल डाले हुए भी हम लोग इसकी रंगत बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करूँगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे किस तरह का कॉटन का कपड़ा ले लेना है।
तो आपको कॉटन का कपड़ा थोड़ा सा बड़ा लेना है। उसके बाद आपको ले लेनी है यहाँ पे चाय पत्ती, करीबन एक चम्मच भर के आपको चाय पत्ती लेनी है, जिसका हम लोग चाय में इस्तेमाल करते हैं। आपको कपड़े को अच्छे से इसमें गांठ लगा देनी है, इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके मोड़ना है। बस एक चम्मच चाय पत्ती काफ़ी है। आप देखेंगे जब चाय पत्ती डाल के आप छोले को बॉयल करेंगी ना, तो उसकी रंगत भी बहुत अच्छी आएगी। और एक काम बहुत अच्छा होगा, जैसे हम लोग जब छोले वगैरह खाते हैं तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, उनको एसिडिटी होती है या गैस बनती है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। इससे जो छोले का स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और छोला बॉयल करते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप यहाँ पर करीबन एक चम्मच नमक डाल दें, जिससे छोला बहुत जल्दी बॉयल होगा और काफ़ी अच्छे से गल भी जाएगा। तो यहाँ पर मैंने नमक पहले ऐड कर दिया था, आपको चाय पत्ती इस तरह से गांठ में लपेट के डाल देनी है। छोला बॉयल हो गया, मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊंगी कि जो चाय पत्ती का कलर है पूरे छोले में बहुत ही अच्छे से आ गया है। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब छोले को बॉयल करते हैं ना तो उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं, तो आप छोला बॉयल करते समय बिल्कुल भी खाने वाला सोडा ना डालें। इससे क्या होता है, छोला सब्जी बनने के बाद बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरह से जब आप चाय पत्ती की ट्रिक यूज़ करेंगी तो छोला बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं जो पानी होता है ना, छोले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और छोला बहुत ही अच्छे से पक गया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने नमक का यूज़ किया है। तो आप सोडे की जगह पे यहाँ पे आप नमक को ज़रूर ऐड करिए, इससे छोला सॉफ्ट भी रहेगा और जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। सब्जी बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी इसका पानी का कलर जो अभी आया है, सब्जी बनने के बाद भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मार्केट में जैसे काले हल्के से डार्क कलर के जो छोले बनते हैं, सेम वैसे ही रंगत आप घर पे ला सकती हैं छोलों में। तो आपको क्या करना है, कम तेल में ही आप छोले बनाएंगी और वो देखने में भी बहुत अच्छे होंगे और उसका जो स्वाद होगा वो भी कई गुना बढ़ चुका होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने मसाले डाल के छोले को तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा ऑयल का यूज़ भी नहीं किया है। अभी मैं चला के दिखाऊंगी कि छोले कितने अच्छे से बन करके तैयार हुए हैं। और जो चाय पत्ती हम लोगों ने डाली ना, उसकी वजह से छोले में जो रंगत आई है ना, वो बहुत ही अच्छी आई है और खाने में स्वाद भी कई गुना बढ़ गया होगा। आप जब इसको ट्राई करेंगे तभी आप जान पाएंगे कि इस ट्रिक का यूज़ करके घर पर ही हम लोग मार्केट जैसे छोले बना सकते हैं। बस आप धनिया पत्ती डाल के सर्व कीजिए। आप जब एक बार इसको ट्राई करेंगे ना, तो हमेशा इसी ट्रिक का यूज़ करके छोलों को बनाएंगी। तो यूजफुल ट्रिक है सभी महिलाओं के लिए, तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा और छोले आप बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बना सकती हैं। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे नेल कटर को लेकर के है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग नेल कटर का यूज़ करते हैं, कुछ समय बाद नेल कटर की जो धार होती है वो ख़त्म होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग नेल्स वगैरह काटते हैं तो अच्छे से नहीं करते हैं। तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करते हैं, दूसरा नया लेकर के आते हैं। बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो खाली रैपर होते हैं ना दवाई के, आप उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ा सा हार्ड वाला लिया है, तो ये पूरी तरह से तो नहीं कटेगा, लेकिन आपको इस तरह से इसके ऊपर नेल कटर चलाना है। इससे क्या होगी, जो नेल कटर की शार्पनेस चली गई है ना, वो बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाएगी। इस तरह से आपको बार बार चलाना है। उसके बाद आपका जो पतला वाला होता है ना दवाई का रैपर, एल्युमिनियम फॉइल का, तो आपको इस तरह से कट करना है। देखिए अभी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जब इस तरह से जब आप छोटे छोटे पीस करेंगी तो आप देखेंगी जो नेल कटर की धार है वो बहुत ही अच्छे से शार्प हो गई है। बिल्कुल भी नेल कटर आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा फिर से अच्छे से इसको यूज़ कर सकती हैं। सिंपल सा आइडिया है, छोटी सी ट्रिक है जो आप लोगों के साथ शेयर करी की थी, वो बहुत ही काम आने वाली है। तो इस तरह से आप नेल कटर की धार घर पर ही ठीक कर सकती हैं। सिंपल सा आइडिया है, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, यूज़फुल आइडिया है। यहीं पर अपनी वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।